नमस्कार, एमकेएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मंगलवार को ग्राम बिंज में रहने वाली कृष्णा बाई अपने चार पोता पोती को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने लिखित शिकायत करते हुए बताया कि 2020 में उनके बेटे संतोष की मौत हो गई थी। शासन की तरफ से उनकी बहू के खाते में मुआवजा राशि आई थी, वो राशि निकलती उसके पहले 2023 में उनकी बहू की भी मौत हो गई। वो राशि अब तक बैंक वाले निकाल कर नहीं दे रहे हैं। इसकी शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट में गुहार लगाई गई। कृष्णा बाई ने बताया कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने चारों पोता पोती को पाल सकें। कलेक्टर ने चारों बच्चों को बैंक भेजा और उनके चारों बच्चों के खाते खोलने और राशि उनके खाते में भेजे जाने का आश्वासन भी दिया। आपके नाम में जैसे लड़का खत्म होगा उसके पैसे हैं बहू के खाते, लड़का भी खत्म होगा बहू के। अब मैनेजर साहब कोर्ट की बोली थी, हम कोर्ट साइड ने रखा करा लाए साथ ही और रखने वाला है, उन्होंने बोली थी सील लगवा के लाओ, सील भी लगवा लाए। अब दोबारा बोल रहे हैं कि जाम है, तुम जल खत में लाओ को पैसा डाल रहे। आप कलर साहब जब बोल रहे हैं कि आप बैंक चले जाओ, तुम चारों बच्चों के जो खाते खुलेंगे और पैसे करवा रहा है, करवा रहा।